नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी खबर में। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज यशवंत सिन्हा को वोट किया। इसके साथ राष्ट्रपति के ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति ऐसा चाहिए जो हमें बोलता हुआ नजर आए, हमें समझाता हुआ नजर आए, हमें मूर्ति वाला राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि अक्सर देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी ऐसे कई राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा कुछ भी बोलने से बचा गया या फिर वह चुपचाप ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति होने से पहले वो लगातार संविधान के बारे में बातें कह रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं संविधान को बचाने का पुरजोर प्रयास करूंगा, और यही कारण है कि राजद ने भी इस पर समर्थन दे दिया है। विपक्ष के मिले समर्थन के बाद में यशवंत सिन्हा काफ़ी मजबूत हुए हैं। इसके साथ यशवंत सिन्हा को कई और लोगों की राह मिल गई और कई और लोगों का समर्थन मिल गया, जिनमें मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी का भी नाम शामिल है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब सामने निकल कर के आई तो बिहार समेत देश के अंदर तस्वीरें बदलती बदलती सी नज़र आ रही है। सबसे मुख्य तौर पर ये तस्वीरें बदलती हुई नज़र आ रही है कि बिहार में लगातार आरजेडी के समर्थन से मजबूत हुए हैं यशवंत सिन्हा। विपक्ष के लगातार किए जाने वाले वोट के बावजूद भी अधिकतम और ज़्यादातर वोटें भारतीय जनता पार्टी को ना मिल करके राजद को मिल सकती है, और राजद इसी बात से काफ़ी खुश है और काफ़ी वाकिफ है उसके राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने कहा भी कि राष्ट्रपति चुनाव में इस बार यशवंत सिन्हा जी को मिले समर्थन और सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करते हैं। इसके साथ वह देश के अंदर कई लोगों से बातचीत किए जिन लोगों का सपोर्ट और समर्थन मिला भी, इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, यह बेहतर है और एक नए कल की शुरुआत जो है अब हो चली है। तेजस्वी यादव के कहे जाने के बाद में अपील भी की गई कि नीतीश कुमार जी, यशवंत सिन्हा बिहार से हैं और आप बिहार के होने के नाते उन्हें वोट जरूर करें। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।